सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइए आप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं नमो भारत यानी कि रैपिड रेल RRTS का कंस्ट्रक्शन, जो कि मुरादनगर से स्टार्ट होती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, पहले तो साई बाबा से दुहाई तक स्टार्ट हो चुकी थी और अब दुहाई से लेकर मोदी नगर नॉर्थ तक इसका इनॉग्रेशन हो चुका है। ये खुल चुकी है आम जनता के बीच में। तो आज इसी का आप लोगों को कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा कि एंट्री एग्जिट पॉइंट कौन से स्टेशन के कंप्लीट हो गए हैं, कौन से के बचे हुए हैं, अभी क्या काम किया जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों, और ये है मुरादनगर RRTS का स्टेशन। दोस्तों, पार्किंग पीछे है और ये देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट है। दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, ये स्टेयर भी बन के कम्प्लीट हो चुका है और इसकी देखो इधर एक्सीलेटर भी लग चुके हैं। और आप सभी को बता दूं, ऑपरेशनल हो चुका है ये स्टेशन। देख सकते हो देखने में कितना ही अच्छा लगता है। दोनों साइड के एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बन चुके हैं दोस्तों, और अब आप जनता का आना जाना भी हो गया है। और मैंने अंदर जाकर भी दिखाया आप सभी को, तो दिखाएंगे और बताएंगे। और रोड पर आप लोगों को बता दूँ, जो जेब्रा क्रॉसिंग बनाते हैं ना, उस टाइप का यहाँ पर पत्थर लगाया जा रहा है। देखो आप लोगों को बता दूँ कि NCRTC दोस्तों रोड बना के भी दे रही है। आप देख सकते हो सारे में ब्लैक टॉप कर दिया। पहले काफ़ी गड्ढे गड्ढे हुआ करते तो ऊंचा नीचा रोड हो गया था जब ये इसका बायोडक्ट बनाया जा रहा था नमो भारत का। तो देख सकते हो यहाँ पर इस जगह पर दोस्तों किया जा रहा है ब्लैक टॉप। देख सकते हो आप लोग डाबर किया जा रहा है, क्योंकि जो RRTS कंपनी है दोस्तों, जो इसके रूट को बनवा रही है, वही ये रोड को भी फाइनल करके देगी दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं, पहले ये 4 लेन हुआ करता था, अब ये 6 लेन में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों, देख सकते हो इसमें ब्लैक टॉप किया भी जा रहा है। चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को ऐसे ही वीडियो। तो आप सभी इंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरा स्टेशन दोस्तों ये आ चुका है मोदी नगर साउथ। तो देख सकते हो यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाएंगे कि इस स्टेशन पे क्या क्या काम हो चुका है। अभी दोनों एंट्री एग्जिट पॉइंट बन के कम्प्लीट हो गए हैं या अभी कुछ काम बचा हुआ है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहो एंड तक, वीडियो के अंदर बहुत कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, इंफॉर्मेशनल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो चलते हैं और दिखाते चल के आप लोगों को कौन कौन से लेवल पे ऊपर चल के कि इसके स्टेयर और एक्सीलेटर्स किस तरीके से काम करते हैं दोस्तों। और आप सभी को बता दूं कि अभी उस साइड का एंट्री एग्जिट पॉइंट रह गया है बनने के लिए। और देखो अभी ये साइडों का जो डिज़ाइन है वो भी बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो। अभी पूरी तरीके से ये बन के कम्प्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसको इसका मुहूर्त कर दिया, बस यहाँ तक ये बढ़ा दी जा चुकी है दोस्तों। अभी काम चल ही रहा है और काम जब ख़त्म होगा तब आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से काम फिनिश किया गया है, कैसा लग रहा है अब। क्यों अभी सही से तो इसकी ना तो पार्किंग बनी है सही से, ना ही अभी काम सही से हो पाया, मतलब फिनिशिंग का काम अभी तक नहीं हो पाया है। तो चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं चल के आप सभी को। देखो एक्सीलेटर में बैठ चुके हैं और चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं चल के ऊपर का क्या नज़ारा है दोस्तों, क्या दिखता है क्या नहीं। और ऊपर देख सकते हो टीन सेट लगा हुआ, देखो ये ऊपर का नज़ारा है। और आप लोग देख सकते हो ये यहाँ से दोनों साइड का ही मतलब एंट्री एग्जिट पॉइंट है अभी इस टाइम पे दोस्तों, एक ही फिलहाल, क्योंकि राइट वाला अभी बंद कर रखा है ना। और वो देखो वो सामने वो जाली लगी हुई है वो बंद हो किया हुआ है। और ये देखो पार्किंग भी बनाई जा रही है अभी, जो कि बन के बिल्कुल कम्प्लीट नहीं हुई है दोस्तों। तो यही काम चल रहा है मोदी नगर साउथ के RRTS के स्टेशन पर। चलते हैं जीने से उतर के फिर आप लोग दिखाते हैं दूसरी साइड का। तो दूसरी साइड का भी आप लोग देख वो लगा दिया है, अब इस पर सनरूफ ये डालने का काम चल रहा है। और साइडों का ये देख सकते हो जो जो डिज़ाइन बनाने का काम है वो भी किया जा रहा है, ये देख सकते हो। लेकिन ये ऑपरेशनल हो चुका है, आम जनता के लिए खोल दिया जा चुका है। अभी एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट ही चालू है, इधर से बिल्कुल बंद पड़ा है, अभी ये चालू नहीं हुआ है। वहाँ पर भी देखो वो बैरिकेड भी लगा रखा है पीछे की साइड में, वो वहाँ पर ठीक है। तो यही काम चल रहा है। और ये देखो पार्किंग बनाई है इन्होंने, ये सारी पार्किंग है, तो पार्किंग भी देख सकते हो।
और ऊपर ये स्टेशन का देखो ये सेट बना रहे हैं जो कि अभी बिल्कुल बन के कम्प्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। देखो ये मशीन लगी हुई है, क्रेन मशीन, देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, स्टेशन देख सकते हो। तो अभी इस पर काम चल रहा है ज़ोरों शोरों से, ठीक है। ये है एक्सीलेटर, इधर हैं ये सीढ़ियाँ, तो इस पर जल्दी काम हो जाएगा बन के कम्प्लीट, अभी नहीं हो पाया तो अभी महीना डेढ़ महीना लग जाएगा यहाँ पर इस टाइम पर। तो इधर से बंद करा किया हुआ है, ठीक है। तो यही है, देख सकते हो आप लोग, तो आप लोग इधर भी देख सकते हो, इधर ये सारे में पार्किंग है दोस्तों, ये पार्किंग एरिया है पूरा। ये देखो जिस पर कि अभी काम चल रहा है इस टाइम पे तेज़ी के साथ में, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है। और इधर देखो ये स्टेशन है ऊपर, कौन कौन मैंने दिखाई दिया आपको। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के हैं मोदी नगर नॉर्थ RRTS का स्टेशन, चलते हैं दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे दोस्तों, क्योंकि अभी काफ़ी सारा काम है करने के लिए जो किया जाना है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। अब यहाँ से चलते हैं आगे, दिखाते चल के आप सभी को दोस्तों मोदी नगर नॉर्थ RRTS के स्टेशन के उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट बन के कम्प्लीट हो गए हैं या अभी बचे हुए हैं, चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को। तो यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं मोदी नगर नॉर्थ RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। यहाँ तक ये नमो भारत ट्रेन दोस्तों यहाँ तक बस चल रही है अभी, अभी मेरठ साउथ का स्टेशन नहीं बना, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस पर भी चलेंगे और दिखाएंगे चल के आप सभी को। तो बने रहो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत के चैनल पर दोस्तों, KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है और किस तरीके से इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए गए हैं। आप लोग ने मेरी वीडियो मेरे चैनल पर जाकर नहीं देखा है यहाँ के वीडियोस, तो वो भी आप लोग देख लो कि किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, किस तरीके से यहाँ पर ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे थे दोस्तों, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया भी। और देखो अभी फूल भी लगे हुए हैं, जब इसका मुहूर्त हुआ था 6 मार्च को इसका मुहूर्त हुआ था दोस्तों, देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर एक्सीलेटर और स्टेयर्स लगाए गए हैं। और अभी दोनों साइड के डिज़ाइन बनाने का काम है वो किया जाएगा, अभी उसके साइड को लगा रहे हैं दोस्तों और फिर इसका डिज़ाइन बनेगा तब और ही खूबसूरत लगेगा, अभी तो बस ऐसा ही है, बस मुहूर्त कर दिया था इन्होंने। तो देख सकते हो सारे में इसकी पार्किंग, जो नीचे जाली लगी हुई है वो भी, जो ग्रिल लगाई है नीचे ग्राउंड लेवल पर वो भी, भाई साहब मतलब कि अब पहले से ज़्यादा अब बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो देखो मोदी नगर साउथ के स्टेशन पर तो एक एंट्री एग्जिट पॉइंट तो आप लोगों ने देखा ही था, तो देख सकते हो ये आपातकालीन के लिए ये दोस्तों एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, एग्जिट पॉइंट, ताकि ट्रेन के अंदर कुछ हादसा ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए, तो आम जनता को उतारने के लिए ट्रैक से ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए, बहुत ही अच्छा ये सुविधा दी गई है दोस्तों। भविष्य के लिए ऐसा ना हो, लेकिन हमारे भविष्य को आगे देखते हुए ये सब कुछ बनाया गया है, NCRTC ने बनाया है दोस्तों। और आगे चल रहे हैं मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन, दिखाएंगे चल के कि उस पर क्या क्या वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या 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 किया जा रहा है और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दिखाते हैं, तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो ये स्टेशन है मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन, आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहाँ से नमो भारत ट्रेन भी चलेगी, यानी कि रैपिड रेल भी चलेगी और मेरठ मेट्रो भी चलेगी, यहाँ पर दोनों की फैसिलिटी दी जाएगी दोस्तों। इसी वजह से ये प्लेटफॉर्म दोस्तों काफ़ी विशाल है, लंबा चौड़ा है दोस्तों, इस पर 3 ट्रैक हैं, तो वो आप लोगों को अगले अपडेट में देखने के लिए मिलेगा जब मैं इसको अंदर से शूट करूँगा। अभी तो मैंने अंदर से शूट नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार से दिखा देता हूँ। इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं, देख सकते हो दोनों साइड के एंट्री एग्जिट पॉइंट बनने का काम चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। जब मैंने पिछली बार आया था तब इसकी एक्सीलेटर और स्टेयर बनाए जा रहे थे दोस्तों, अब जब दोबारा आया हूँ तो देख सकते हो स्टेयर बन चुके हैं, उस पर पत्थर भी मार्बल भी लग गया, मार्बल लगने के बाद में अभी तो इस पर दोस्तों क्या इस पर प्लस्तर किया जाएगा, प्लस्तर कर देने के बाद में फिर इस पर देखो ये लगाए जा रहे हैं ना एक्सीलेटर, एक्सीलेटर भी इन्होंने इंस्टॉल कर दिया है। और आप लोगों को बता दूँ
कि इस पर ऊपर की साइड में दोस्तों ये टिन सेट का स्ट्रक्चर भी लगाया जा रहा है दोस्तों, जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है उसको लगाया जा रहा है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और ये पार्किंग है, काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग है दोस्तों, दोनों साइडों में ही बहुत बड़ी। और आप लोगों को बता दूं, यहाँ भारत सरकार की परियोजना भी आ रही है दोस्तों, यहाँ पर एक अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी बनाया जाना है दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार द्वारा, वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर इस ज़मीन को भी लैंड एक्वायर किया कर लिया जा चुका है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर कॉलोनी बनाएगी दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जोरों शोरों से यहाँ पर काम चल रहा है। मेरठ साउथ आरआरटीएच के स्टेशन पर मिट्टी पड़ी हुई है, अभी आज को पार्किंग को बनाया जा रहा है दोस्तों। और ऊपर एंट्री एग्जिट पॉइंट के ऊपर दोस्तों टीन सेड का काम किया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और इसका डिज़ाइन बिल्कुल बन चुका है, दोनों एक साइड से बन गया, इधर साइड से उस साइड में अभी बनाया जा रहा है। तो चलते हैं उस साइड में, आप लोगों को उस साइड का ही दिखाएँगे चल के, तो देख लेना आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है दोस्तों, देखो आप लोग। तो मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, अभी दोनों पार्किंग ही बनाने के लिए बची हुई है और इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं दोस्तों। अब बीच का तो आप लोगों को बता दूं कि 90% काम अंदर कौन कौन से लेवल पर और प्लेटफॉर्म लेवल पर हो चुका है दोस्तों, बस इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट बचे हुए हैं, पार्किंग बची हुई है, बस सारा काम हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। वो आप लोगों को अगले अपडेट में देखने के लिए मिलेगा, बाहर भी दिखाएंगे अंदर से भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। फिनिश हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है टीन साइड का दोस्तों। और ये आ चुके हैं दूसरी साइड में, और दूसरी साइड का भी देख लो एंट्री एग्जिट पॉइंट किस तरीके से बनाया गया है। इसके अब पेंट करने का काम चल रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट पे, इस पर ग्रिल भी लग चुकी है। अभी इस पर रूफटॉप का जो स्ट्रक्चर है वो भी लगाया जाना है, लेकिन अभी नहीं लगाया दोस्तों। और इसकी अभी पार्किंग भी बची हुई है बनने के लिए, काम चल रहा है दिन रात। इस पर मार्बल भी लगाया जा रहा है, वो आप लोगों को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो काम तो सारा कंप्लीट सा ही हो चुका है, ये स्टेशन जल्दी बन के हो जाएगा दोस्तों तैयार। और यहाँ से प्रतापपुर और रिटानी शताब्दी नगर और इसका आपको ब्रह्मापुरी के स्टेशन बचे हुए को, उन पर बहुत सारा काम करने के लिए है, जैसा कि आप लोगों ने पिछले अपडेट में देखा था। और अब अगले अपडेट में आप लोगों को दोनों साइडों से दिखाऊंगा आप लोगों को जल्द। तो बने रहिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देखो दोनों साइडों में आप लोगों को बता दूँ, देखो स्टेयर भी बन चुके हैं और इसके एक्सीलेटर भी लगा दिए जा चुके हैं। और देख सकते हो यहाँ पर ये पत्थर ही पत्थर लगा हुआ है, क्योंकि ये कॉन्कोच लेवल पर और प्लेटफॉर्म लेवल पर पत्थर लगाने का काम था, वो भी कर लिया जा चुका है। अब इस पर जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उन पर पत्थर लगाया जा रहा है दोस्तों। और आप लोगों को बता दूँ रूफ टॉप का स्ट्रक्चर भी लगाया जा रहा है, और जो डिज़ाइन अभी बचा हुआ है बनने के लिए वो भी किया जा रहा है। तो देख सकते हो ये दूसरी साइड का जो मैंने पहले दिखाया था और वो उस साइड का था। आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। और आगे आने वाला है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और इसको नमो भारत ट्रेन, इसको भाई साहब बायोडक्ट क्रॉस करता है। और भाई साहब नज़ारा भी क्या ही बताएं, काफ़ी अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप सभी से, तो तब तक एंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। और आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही हम इसको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के जो खंभे हैं, जो OHE वायर है दोस्तों, उसको अभी लगाया नहीं गया आगे, वो आप लोगों का अगले अपडेट में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।